तमाम ताजा अपडेट्स उत्तर प्रदेश की आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। जी हां, बड़ा बयान आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल तलाक पर। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के अधिकार पर हमला है। सीएम योगी ने द्रौपदी के चीरहरण का उदाहरण भी दिया और साफ कर दिया कि तीन तलाक पर कुछ लोगों के मुंह बंद है, कुछ लोग खामोश है और तीन तलाक पर जो मौन है वो अपराध कर रहे हैं। देश अगर एक है तो फिर कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं, संविधान के दायरे में रहकर राजनीति होनी चाहिए। सीएम योगी ने तमाम ये बातें कही। दरअसल ट्रिपल तलाक के मामले पर ये बड़ा बयान उनका सामने आया। लखनऊ में उन्होंने ये तमाम चीजें कही हैं जब वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी गई एक किताब के विमोचन के लिए पहुंचे थे। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उन्होंने उठा दिया और ये कहा कि देश अगर एक है तो फिर कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता। वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। जब हम चंद्रशेखर जी की बातों को पढ़ते हैं जो उन्होंने एक बात कही थी, इस देश के अंदर एक सिविल कोड बनाने के समान सिविल संहिता बनाने की, उन्होंने कहा था कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। विचारधारा कोई भी हो लेकिन उसका लक्ष्य एक है, लोक कल्याण का, राष्ट्र कल्याण का, और वह मार्ग सभी ने एक साथ लेकर के आगे बढ़ाया है, चाहे वह हम लोगों के राष्ट्रवाद का मार्ग हो, चाहे वह समाजवाद का वह मार्ग हो जिसको कभी जयप्रकाश जी ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया था। और इस बीच मथुरा के जवाहर बाग कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हुआ है। हैदराबाद एफएसएल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि राम वृक्ष का डीएनए उसके बेटे से नहीं मिला है, मैच नहीं हुआ है। आपको ये भी हम बता दें कि आरोपी राम वृक्ष ने साथियों के साथ अतिक्रमण कर रखा था मथुरा के जवाहर बाग में, और जब ये अतिक्रमण हटाने पुलिस टीम वहां पर पहुंची थी तो इसी टीम पर हमला हुआ था। एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी, एसओ संतोष कुमार यादव शहीद हो गए थे। पुलिस कार्रवाई में राम वृक्ष खेमे के 22 लोग भी मारे गए थे और राम वृक्ष के भी मारे जाने की खबर थी, लेकिन इसीलिए की पुष्टि हो सके राम वृक्ष क्या वाकई मर गया है या फिर जिंदा, इसी की पुष्टि कराने के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया था, लेकिन डीएनए उसके बेटे से मैच नहीं हुआ उसका डीएनए। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसी के बाद ये बड़ा सवाल भी पैदा होता है कि क्या रामवृक्ष यादव जिंदा है। रामवृक्ष खेमे के भी 22 लोग पुलिस कार्रवाई में उस समय मारे गए थे जब जवाहर बाग पहुंची थी एक पुलिस की टीम, उस पर हमला किया गया था। और जिस तरह की खबरें थी कि रामवृक्ष इसी दौरान मारा गया है, इसी की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया था, लेकिन डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें रामवृक्ष के बेटे से उसके डीएनए के मैच नहीं होने की खबरें हैं। संभल से अगली खबर, बीजेपी नेता का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सिंघल ने एक विवादित बयान दिया और ये उन्होंने कहा कि राम मंदिर में अगर रोड़ा अटकाया तो फिर जान से हाथ धोना होगा। राम मंदिर नहीं बनने देने वालों को पहले डंडे से पीटेंगे, फिर भी नहीं माने तो गोली से राम मंदिर बनवाएंगे। पीएम मोदी बीजेपी नेताओं को भाषा की मर्यादा में रहने की नसीहत देते देते थक गए हैं, लेकिन नेताजी हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। संभल में बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश सिंघल का ये रूप नजर आया जब उन्होंने पूरे रौब के साथ ये बातें कही हैं, भरे मंच से ये बात उन्होंने कही कि जिसने भी राम मंदिर के बनने में रोड़ा अटकाया वो जान से हाथ धोएगा।
न तो उन्हें पार्टी के अनुशासन का ख्याल रहा ये सब कुछ कहते हुए और न ही कानून का खौफ नजर आया। खुलेआम उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर नहीं बनने देने वालों को पहले पीटेंगे, फिर भी नहीं माने तो गोली से राम मंदिर बनवाएंगे। दोनों पक्षों की वार्ता होगी, प्यार के साथ मंदिर बनेगा और प्यार के साथ नहीं बनेगा तो लाठी से बनेगा और लाठी से नहीं बनेगा तो गोली से बनेगा तो गोली से बनेगा। मतलब राम मंदिर तो उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा बनेगा। तो हमारी वार्ता प्यार से बुलाएगी तो कुछ लोग मानेंगे नहीं, कुछ सांप्रदायिक ताकत राष्ट्रीय ताकत मानेंगे नहीं, वो जरूर रोकने का प्रयास करेंगे, मंदिर को रोकने का प्रयास करेंगे। भाइयों ऐसी शक्तियां यदि मंदिर को रोकने का प्रयास करेंगी तो हम भी इनको पूरी से मारने का काम करेंगे। तो इस तरह के विवादित बोल सामने आए। इधर सीएम योगी के जनता दरबार में कईयों की मुख्यमंत्री से मिलने की आस पूरी हुई। ट्रिपल तलाक पीड़ित मुख्यमंत्री से मिली, अपना दर्द साझा किया। सीएम से मुलाकात के बाद उसकी बातचीत समाचार प्लस से भी हुई है। खास बातचीत आपको सुनाते हैं इस महिला के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन सुबह से ही शुरू हो चुका है और भारी तादाद में लोग मिलने ही पहुंच रहे हैं। यहां पर कुछ लोग पहुंचे हैं मिलने के लिए, उनसे मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई उनसे बात करेंगे। आप लोग कहां से आए हैं? जी हम लोग यहां लखनऊ के हैं, राजाजीपुरम के, और क्या कहते हैं मेरी ट्रिपल तलाक के उससे आए हैं। इनके जो है हस्बैंड ने इनको धोखा दिया है, काफी मारा पीटा है और दहेज लेकर घर से बाहर निकाल दिया है, तो उसी सिलसिले में हम लोग मिलने आए थे। मुलाकात हुई योगी जी से? जी मुलाकात हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा इस पे कार्रवाई होगी, कहा उन्होंने। व्यक्तिगत मामले में कार्रवाई चाहती हैं और भी चाहती हैं कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर भी कोई कार्रवाई की जाए, मना किया जाए, इसको लेकर कोई मनाही हो, कोई कानून बने? नहीं नहीं उसके हाँ मैं चाहती हूँ कि जो है ये ट्रिपल तलाक जो है इस तरह मत दिया जाए कि अब हमने देखा भी नहीं सुना भी नहीं और ट्रिपल तलाक हो गया। योगी जी से बताइए आप। अब योगी जी तो मिले नहीं, उनके पीए मिले, अगर योगी जी मिलते तो हम उनसे कहते भी कुछ। लखनऊ से आई हुई ट्रिपल तलाक की पीड़िता यहाँ पर मौजूद है जिनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। हालांकि जो उनको कागजात देने थे वो खुद मुख्यमंत्री को नहीं दे पाए, उनके पीएस को उन्होंने दिए हैं और उनकी आशा है कि इस मामले में ना सिर्फ उनके अपने मसले में कोई कार्रवाई की जाए बल्कि इस पूरे मामले को लेकर कोई सख्त कानून बने। कैमरामैन अमित साहनी के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। देश की सेवा के लिए अपनी जान देने वाले फौजी परेशान होकर मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाने पहुंचे। दरअसल कोर ऑफ सिग्नल्स भारतीय सेना से रिटायर्ड एमयू खान जब रिटायर होकर अपने घर प्रतापगढ़ पहुंचे तो कुछ दबंगों ने बुरी तरह पीटा। भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे एमएस सिंह की बेटी भी अचानक गायब हो गई। दोनों फौजी अपनी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री योगी के पास पहुंचे। पांच कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर कुछ फौजी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोग यहां पर आ गए हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात? मेरा नाम एयू खान है, मैं कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर हुआ 90 में और गांव में रहकर मैं खेती बाड़ी करना चाह रहा था, लेकिन वहां के कुछ दबंग जिनका नाम एक का नाम समसाद है और उसने पत्नी को अपनी जो वो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका उसको प्रधान बनाया 3 टर्म्स तक। उसके बाद उसने मुझे मोबाइल पे जान से मारने की धमकी दी। क्या मुलाकात हो पाई? आज मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से नहीं, उनके सचिव से हुई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं डायरेक्ट एसपी साहब को इस मामले में जांच करने के लिए बोलूंगा। आप भी यहां पर पहुंचे हैं, क्या परेशानी है? मैं यहां पे आया था सर मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। क्या परेशानी है? परेशानी ये है सर कि मेरी 2 जनवरी 2017 से मेरा बच्चा लड़की है, मिसिंग है, और वो 16 साल की है, 11th क्लास में पढ़ रही थी। उसके बाद उसी दिन हमारी वाइफ घर पे FIR लाज कराया कंसर्न थाना लोहता वाराणसी में, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसमें कुछ कोई सुराग नहीं निकाल पाई है। किसे मिलने आए थे, कुछ भरोसा बंधा कुछ बात? अब उनका सचिव साहब ने आश्वासन दिया है और पूरी मैंने फाइल अभी तक जितनी कार्रवाई किया है उनको फाइल हैंड ओवर किया है। साहब ने मुझे यही बताया है कि आपको विद इन 1 कुछ रिस्पांस मिलेगा। यहाँ दो जवान पहुंचे हैं और जिनका कहना है कि आर्मी में देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए गोली खाने से नहीं डरते हैं, लेकिन उनके अपने साथ ही इस तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। कैमरामैन अमित साहनी के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस।
तो सब दरअसल एक उम्मीद करके चल रहे हैं और उम्मीद ये है कि उनकी समस्याओं का समाधान अगर कहीं मिल सकता है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मिल सकता है। इधर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज की परेशानी झेल रहे कर्मचारी भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, उन्होंने भी अपनी समस्या उनके साथ साझा की। हम इस वक्त 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की परेशानियां झेल रही है। वो एम्प्लॉयज जिनको सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हायर करती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, क्या परेशानी? हाँ सर, हम लोग सुविधा प्रदाता के यहाँ से रखे गए हैं। ये परियोजना और जिलों में जो है डायरेक्ट संविदा कर्मी रखे गए हैं, केवल हम यहाँ यूपी में ही है, यही हम लोग की समस्या है। वो हमसे 16.2% काटते हैं और हम लोगों का जैसे जितना भी वेतन जिसका जितना है ग्रेड के हिसाब से, और हम लोगों के वो भी टाइम से ही नहीं मिलता। कौन कौन से डिपार्टमेंट में? जब हम लोगों का एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आईडीएमपी है, इसमें क्या है कि हम लोग जब अधिकारियों से बात करते हैं सैलरी के बारे में, वो लोग कहते हैं कि बजट नहीं मिला है। भारत सरकार का साफ साफ कहना है कि आप जो पैसे पिछले ले गए थे उसका हिसाब दीजिए, अगला पैसा ले जाइए, या पिछले का हिसाब नहीं दे पाते और ये वो लोग पैसा नहीं देते, करते हैं अधिकारी लोग और भुगतते हम लोग संविदा कर्मी। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाई, परेशानी बता पाए? सचिव से मुलाकात हुई है सर, सचिव सर ने कहा है कि हम लोग इसकी जांच करा दी जाएगी। देखो यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे, अपनी परेशानी बताने पहुंचे थे कि जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं वो किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं, फायदा उठा रही हैं, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन अमित साहनी के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस। तो परेशान लोग लगातार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, इधर मुख्यमंत्री भी कड़े और बड़े फैसले कर रहे हैं, लेकिन भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वो ईमानदार अधिकारियों को आइडेंटिफाई कर एक लिस्ट तैयार करवा रहे हो, फिर भी ईमानदारी की राह पर चलना एक अधिकारी को महंगा पड़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के होम डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी में एक अधिकारी को ईमानदारी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना और लोहिया आवास योजना का सही सत्यापन करने और भ्रष्ट कर्मचारियों की पोल खोलने पर एडीओ कोऑपरेटिव रईस उज्जम को जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़ित अधिकारी का आरोप यह है कि ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान के बेटे ने उसे धमकी दी है। एडीओ कोऑपरेटिव ने जब मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की तो देर रात उसके घर पर पत्थरबाजी की गई और जाहिर है इस घटना के होने के बाद से एडीओ कोऑपरेटिव का पूरा परिवार डर और दहशत में है। और हटाया तो हमें कल था, अज्ञात आदमी थे, मोटरसाइकिल पे आए 11 बजे, यहाँ पथराव किया, 2-3 ईंट मारी, बाहर हम थोड़ी देर बाद निकले तो वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इतने जा चुके थे। इसकी जो सूचना मैंने 3-4 तारीख को ही एसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय को भी दी गई थी कि मुझे सुरक्षा गार्ड दिए, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया अभी तक, और ये विभागीय अधिकारी भी, मतलब सरकारी तंत्र भी और प्राइवेट तंत्र भी, निजी तंत्र भी, दोनों मेरे पीछे हर चीज लगे हुए हैं मुझे सस्पेंड करने के लिए और मेरे जान माल का पूरा खतरा है। अगली खबर, अमरोहा शहर कोतवाली इलाके के गुजरी मोहल्ले में एक महिला को दुबई में बैठे उसके शौहर ने वीडियो रिकॉर्ड करके तलाक दे दिया। शौहर ने महिला पर शादी के बाद अवैध संबंधों का आरोप लगाया। तलाक का वीडियो देखकर जाहिर है पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। महिला के मुताबिक उसके जेठ ने उसे तलाक की जानकारी दी। हैरानी इस बात की पीड़िता ने अपने जेठ पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया और साथ ही इस तलाक को मानने से भी इनकार कर दिया। महिला ने साफ कर दिया है कि जब पति से उसकी तलाक पर कोई बातचीत हुई ही नहीं तो फिर किसी के कहने पर वो ये तलाक नहीं मानेगी। जी, मेरे तो हस्बैंड मुझे छोड़ के 1 महीने बाद, मेरी शादी 27 दिसंबर को हुई थी सन 2014 में, तो ये मुझे छोड़ के 1 महीने मेरे साथ रहे, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के दुबई चले गए। इनके जाने के बाद इनके घर वालों ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे साथ बदतमीजी करनी, फिर मारपीट करनी मेरे साथ, और इन्होंने मुझसे 5 लाख की मांग की, और मैं इतनी गरीब घर की हूँ, मैं इनकी मांग कैसे पूरी करती, तो इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और ये मेरे जेठ तो हैं उस्मान, ये मेरे ऊपर बुरी निगाह रखते थे कि कभी मेरे इधर हाथ लगाना, कभी उधर, और ये कभी कभी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ये मेरे कमरे में भी आ जाते थे। तो अब फिर इनका, जब मैं यहाँ पर आई तो मैं सब जगह गई, मैं कहीं से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई,
कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर मैंने मजबूर होकर कोर्ट में वो करा, तो मेरे मुकदमा चल रहा है जब से, तो उसके दौरान ही मेरे जेठ का फोन आया कि ऐसे ऐसे फैजान ने तुम्हें तलाक दे दी है। क्या नाम सास नंदो ने इसके ऊपर जुल्म करे, बदतमीजी करी इसके साथ, मुझे फोन पे बात भी नहीं करने देती थी कि अगर माँ से या बाप से बात करेगी तो हम तलाक दिला देंगे तुझे। और उसके बाद फिर इसको इतना मारा पीटा, इसे घर से निकाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद इसका जेठ उस्मान कहता है कि हमारे भाई ने तुझे तलाक दे दी है, उसने इसको इतला दी कैरम तलाक की। और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस समय की लखनऊ से, रिवर फ्रंट में फर्जीवाड़ा करने वाले का एक और घोटाला सामने आया है। पूर्व अधीक्षण अभियंता रूप सिंह का एक और बड़ा घोटाला, और घोटाला ये कि फ्रांस से 45 करोड़ का फाउंटेन आया, कस्टम ने इसको रोक दिया है। कानपुर के कस्टम विभाग ने इसे रोक इसलिए दिया है क्योंकि सिंचाई विभाग ने इसका शुल्क अदा नहीं किया है। 45 करोड़ का ये फाउंटेन है, सिंचाई विभाग को फाउंटेन देने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि कस्टम ड्यूटी सिंचाई विभाग ने नहीं चुकाई है। घोटालों की भेंट चढ़ चुकी गोमती रिवर फंड योजना में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ है 45 करोड़ के फाउंटेन को लेके। 45 करोड़ के फाउंटेन सिंचाई विभाग के जो रिटायर्ड एसी हैं रूप सिंह की तरफ से ऑर्डर किया गया था, फ्रांस से इसको मंगाया गया, और ये 45 करोड़ का जो फाउंटेन है कानपुर में इस वक्त पड़ा हुआ है। कस्टम ड्यूटी ना पे करने की वजह से सिंचाई विभाग इसको वहां से रिलीज नहीं करा पा रहा, और इसकी वजह है कि शासन की तरफ से जो गोमती रिवर फंड योजना है उसमें किसी भी तरह के फंड को रिलीज करने की मनाही कर दी गई है। और ये जो 45 करोड़ का जो फाउंटेन आया है ला मार्टिनिया कॉलेज के पास, गोमती नदी में इसको स्थापित किया जाना था, और इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए वहां पर जो वॉल जो गोमती नदी में बनाई जानी थी, इसके अलावा और बहुत सारा डेवलपमेंट वहां किया जाना था जिसको लेकर 81 करोड़ की लागत आनी थी। चूंकि किसी भी तरह का कोई फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है गोमती रिवर फंड को लेके, तो ऐसे में विभाग जो 45 करोड़ का जो फाउंटेन न सिर्फ उसको रिलीज कर नहीं करा पा रहा है, साथ ही कोई और जो डेवलपमेंट जो इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेके यहाँ पे किया जाना था वो कराने में सक्षम नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जनता के जो पैसे की बर्बादी इस पूरी योजना में हुई है, और 45 करोड़ का जो फाउंटेन जो कानपुर में पड़ा हुआ इस वक्त धूल फांक रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लखनऊ से कैमरामैन अमित सानी के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस। तो सरकार को सीधे सीधे 45 करोड़ की चपत, लेकिन अगली बड़ी खबर लखनऊ से समाचार प्लस की खबर का हुआ है बड़ा असर। शासन ने जेपीएनआईसी की 90 करोड़ रुपए की जो किस्त जानी थी उसे रोक दिया है। जेपीएनआईसी सेंटर में क्योंकि करोड़ों रुपए बर्बाद करने का भी हाल ही में खुलासा हुआ है। एलडीवीसी सत्येंद्र सिंह की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य पर यहां पर ब्रेक लगाया गया है। आर्किटेक्ट आरकॉम और सत्येंद्र की मिलीभगत से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। पिछली सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जेपीएनआईसी, जिसमें जमकर धांधली जमकर फर्जीवाड़ा हुआ, और अब जब जांच चल रही है तो ये कहा जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही जेपीएनआईसी का काम दोबारा शुरू कराया जाएगा। पूर्व सपा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी सेंटर पर एलडीएवीसी सत्येंद्र सिंह के फर्जीवाड़े की वजह से अब ब्रेक लग गया है। दरअसल इसका निर्माण कार्य अब रुक गया है। इसकी जो किस्त जारी होनी थी 90 करोड़ रुपए की, जो पैसा इसके निर्माण कार्य में लगना था वो किस्त अब सरकार ने रोक ली है। मतलब 90 करोड़ रुपए सरकार ने रोक लिए है। और ये जेपीएनआईसी सेंटर आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इमारत है, और इसका उद्देश्य यही था कि पर्यटकों को भी लुभाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यहाँ पे देखने आए। यहाँ पे छोटे से पत्थर की कीमत भी 900 रुपए है, यानी ये पत्थर भी विदेश से लाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए हैं 1,69,00,000 रुपए एक पेड़ की कीमत है, मतलब एक पेड़ जो है 1,69,00,000 रुपए का है, वो भी विदेश से लाया गया। एसी भी यहाँ विदेश से लाई गई है, तमाम वो सामान विदेशों से यहाँ पे ला के लगाए गए हैं, और उसमें भी जम के फर्जीवाड़ा हुआ। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में जेपीएनआईसी सेंटर का वो हिस्सा है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा था, ये आधा अधूरा है, अभी इसका निर्माण महज 50% ही हुआ है, आधा निर्माण बाकी है। और 90 करोड़ की ये जो किस्त है ये रुक जाने से कहीं ना कहीं इसके निर्माण पर पूरा असर पड़ेगा और ये निर्माण लगभग थम सा जाएगा, क्योंकि अब जो भी बजट है जेपीएनआईसी सेंटर का उस पर रोक लग गई है, और पैसा नहीं होने की वजह से अब इसका निर्माण खटाई में पड़ जाएगा। अब इस पूरे जो जेपीएनआईसी सेंटर में जो फर्जीवाड़ा करने वाले सत्येंद्र सिंह और उनकी टीम के जो अफसर हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या वो लोग सीखचों के पीछे जाएंगे, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब सुरेश पासी जो मंत्री हैं उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है यहाँ का, और उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने लगभग तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेबल पर वो रिपोर्ट जानी है, तब देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई इन अफसरों के खिलाफ होती है। कैमरामैन अमित साहनी के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ।
और अगली खबर भी लखनऊ से, केजीएमयू में प्राइवेट कंपनीज के कारोबार पर कैग को आपत्ति है। सीएजी ने इस पर एतराज जाहिर किया है। सरकारी संस्थान में आखिर प्राइवेट कंपनियां क्यों कारोबार कर रही हैं? एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे और पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन निजी कंपनी के भरोसे छोड़ दी गई है, प्राइवेट कंपनीज के भरोसे छोड़ दी गई है और केजीएमयू में गरीब मरीजों को लूटा जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज का ये पूरा गड़बड़ झाला है और जांच का मनमाना पैसा वसूल रही है ये तमाम प्राइवेट कंपनी। बगैर टेंडर के ही केजीएमयू में ये दुकानें चल रही हैं और पूर्व वीसी रविकांत ने भी खूब मनमानी की। एक ही शख्स के नाम पर दो कंपनी, दोनों को टेंडर दे दिए गए। तो कंपनी के मालिक हेमंत तलवार है। हेमंत ने तलवार कार स्कैन सेंटर के नाम से एक कंपनी और दूसरी डीके एंटरप्राइजेस के नाम पर कंपनी बनाई है। उसने एक कंपनी में अपना नाम हेमंत तलवार और पिता का नाम सूरज चंद्र तलवार बताया है, तो दूसरी कंपनी में अपना हेमंत तलवार और पिता का सूरज नाथ तलवार लिखाया है।